हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कंबाइंड में एडमिशंस के टाइम आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, यानी कि आप लोगों ने बीसीसी का जो एग्जाम दिया है, अभी आपका काउंसिलिंग होगा, काउंसिलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। उस कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको जिस कॉलेज में आपको जाना है एडमिशंस के लिए, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीसी में एडमिशन के समय कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कहाँ कहाँ से बनने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का लिस्ट काफी लंबा है। अगर आप लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसे अभी से बनवा लीजिए ताकि आपको आगे एडमिशन के टाइम दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, अगर रखिए तो आपका पास यहाँ पे जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट, ये तीन चीज होना चाहिए। ये तीन चीज किस क्लास का है? क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ की अगर बात करते हैं तो क्लास टेंथ का आपका जो है एडमिट कार्ड, ठीक है, मार्कशीट और आपके पे क्या है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ये तीन चीज क्या है क्लास टेंथ का है। उसी प्रकार फिर यहाँ पे है एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, किसका है ये क्लास ट्वेल्थ का है, सेम चीज है। आप डॉक्यूमेंट्स को कहा चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है आगे आपके काउंसिलिंग के टाइम, यानी काउंसिलिंग के बाद एडमिशन के टाइम आपको वहाँ पे लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जब आपका एडमिशन जो है किसी कॉलेज में रैंक कार्ड में नाम आ जाएगा और वहाँ बुलाया जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट को अभी से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्या क्या मैंने बताया है? ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये तीनों ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास क्लास टेंथ का। उसी प्रकार के सेम तीन चीजें क्लास ट्वेल्थ का, ये पहला हो गया। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको बीसीसी का एडमिट कार्ड, बिहार कंबाइंड का एडमिट कार्ड की बात किया है जो कि आप लोग के पास होगा, आप लोगों ने अभी एग्जाम सेंटर पर लेके गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। बिहार कंबाइंड का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगला पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो आप लॉक लीजिएगा पासपोर्ट साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर लगता है काउंसिलिंग के टाइम या फिर मैं बोलूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगला कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग के पास अगर नहीं है तो आप इसे अप्लाई कर लीजिए, आपका 1 वीक के अंदर ये आपका बन जाएगा। अगला, अगर जो लोग EWS से एडमिशन होने वाला है या फिर जिनके भी एडमिट कार्ड पर EWS रैंक दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होता है दो रैंक पे होता है, एक तो UR रैंक पे होता है, दूसरा आपका कैटेगरी रैंक पे होता है। तो अगर ये EWS रैंक अगर आपका है तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए। और अगला क्या, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको हिंदी में आय प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ये सारे आपके जो है लोकल में आपके विलेज में ये सब बन जाएंगे। अगला बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की, जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये भी आपका बन जाएगा विलेज में। आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा यहाँ पे, इसको रख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ पे है पार्ट ए एंड बी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आपने अप्लाई किया था बिहार कंबाइंड का फॉर्म तो वहाँ पे आपको दो चीज मिला होगा, ठीक है, क्या पार्ट ए और पार्ट बी का, एक आप अपना अपना फॉर्म चेक कीजिए आपको मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म आपके एडमिशन के टाइम जैसे लगेंगे क्योंकि इसको फिल वगैरह करना होता है वहाँ पे। अगला आपका रैंक कार्ड और बीसीसी, अभी आपने बिहार कमेंट का रैंक कार्ड आपने देखा किसको कौन सा रैंक है, किसी को UR2 UR3 UR4 UR5 जो भी आपका रैंक है, उस रैंक कार्ड का भी जीरोक्स लगता है, इसको आपको क्या करना है अच्छे से संभाल के रखना है। मैंने कई बार देखा है, पिछले बार कुछ बच्चे यहाँ पे रैंक कार्ड वगैरह क्या किए थे, गुम कर दिए थे और हमें मैसेज करते कि सर हमने आपको रैंक कार्ड सेंड किया था, उस रैंक कार्ड को प्लीज दोबारा हमें सेंड कर दीजिए। कमाल की बातें हैं ना, बच्चा पहले हमें रैंक कार्ड सेंड करता है और बाद में बोलता है सर आपको हमने रैंक कार्ड जो सेंड किया था उसको हमें दोबारा भेज दीजिए, हमसे डिलीट हो गया है। तो ध्यान रहे, इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छे से साइड में रख लीजिएगा। अगला आगे चलते हैं, अगला चॉइस फिलिंग। अभी आपने चॉइस फिलिंग किया नहीं है, अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जैसे स्टार्ट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया आप लोग की स्टार्ट होगी यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है आप लोग का चॉइस फिलिंग कीजिएगा आप लोग, ठीक है। हो सकता है आपने नंबर वन पे जो है BU सबोर दिया है, ठीक है, फिर बी में आपने जो भोला पासवान शास्त्री दिया है, फिर आपने पे पूर्णिया का कॉलेज दिया, सॉरी सहरसा का दिया है, फिर आपने यहाँ पे बक्सर का दिया है, फिर आपने किशनगंज का दिया है, फिर आपने अलग बायोटेक का कोर्स दिया है, आपने फॉरेस्ट्री का कोर्स दिया है, जो भी आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो उसका एक स्लिप होता है, वो आप लोग को यहाँ पे लगने वाला है, ओके। इसको ध्यान रखना है, जैसे ही चॉइस फिलिंग का स्लिप कैसा होता है मैं आपको आगे दिखा दूंगा, अगर किसी को दिक्कत आएगी तो, ठीक है। बाकी चॉइस फिलिंग जब करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। जैसे चॉइस फिलिंग आप लोग करोगे आपके सामने क्या होता है कि एक दो दिन के बाद आपका जो है रिजल्ट आता है कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है। जैसे आपने अप्लाई किया पहले कॉलेज क्या दिया था, BU सबूर आपने दिया था, सेकेंड पे आपने पूर्णिया का दिया था, जैसा रैंक आपका रहेगा उस हिसाब से क्या होता है कि आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, उसको डाउनलोड करना है क्योंकि वो भी आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है, जीरोक्स लगता है उसका। अगला यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक स्लिप। सर ये क्या होता है बायोमेट्रिक फॉर्म? देखो ये फॉर्म आप लोग का किसी के पास नहीं होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फॉर्म आया ही नहीं है। ये फॉर्म बिहार कंबाइंड के वेबसाइट पे आती है एडमिशंस के टाइम, याद रखिएगा, जब आपका एडमिशंस के लिए बुलाया जाएगा उसके एक दो दिन पहले बिहार कंबाइंड के वेबसाइट पे ये फॉर्म आती है बायोमेट्रिक फॉर्म।
तो जैसे ही उस टाइम आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप उसे सिंपल सा जाना और वहां से आप लोग उसको प्रिंट आउट वगैरह करा सकते हैं। अगला यहाँ पे आता है गैपिंग सर्टिफिकेट। अब गैपिंग सर्टिफिकेट उन लोग को जरूरत है जिनको गैपिंग जो गैप किए हैं, ठीक है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उन सभी को यहाँ पे गैपिंग सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी जो लोग 2024 में एग्जाम दिए बोर्ड एग्जाम उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग 2023 में एग्जाम दिए हैं उन सभी को जो रिक्वायरमेंट होगी किसकी, गैपिंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके बना सकते हैं इसको। अगला मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सबके लिए कंपलसरी है और स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट है 23-22 जो भी स्टूडेंट है सबके लिए कंपलसरी होता है, जिसको हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अपने आपको जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेडिकल होगा वहां से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, सदर अस्पताल वगैरह होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में। अगला बात करते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। अगला डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कोई सा इतना डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट है, हाँ डॉक्यूमेंट एक लंबा लिस्ट है, मैंने पहले बोला था ना इसलिए बोला लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है, और इन सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे देखो क्या है, आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे सारा इंक्लूड है। क्या क्या हमने बोला था, हमने बोला ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्ट, किसका, क्लास टेंथ का। ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है ये क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये तीन चीजें की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम आते हैं बीसीसी एडमिट कार्ड, सबके पास होगा, पासपोर्ट साइज फोटो सबके पास होगा, कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए और एसएलसी सबके पास होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड भी सबके पास होगा, पार्ट ए पार्ट बी भी सबके पास होगा, रैंक कार्ड भी सबके पास होगा, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो चॉइस फिलिंग का अभी नहीं होगा आप लोगों के पास, अलॉटमेंट लेटर आपके पास नहीं होगा, बायोमेट्रिक स्लिप आपके पास नहीं होगा और गैपिंग सर्टिफिकेट आपके पास शायद नहीं होगा, ठीक है, जिसको बना लीजिए आप लोग, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग बना सकते हैं। आपके पास तीन डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं होगा, जो कि आने वाला समय आपके पास मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है, और बाकी का जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसको आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिक्कत आती है, सर ये क्या होता है मेरे पास नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसा होता है। ओके, थैंक यू सो मच, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है कौन सा नहीं है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके इस बार लगने वाले हैं आपके एग्जाम में। ओके, डॉक्यूमेंट का आप लोग काफी इंक्वायरी कर रहे थे डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, तो हमने डॉक्यूमेंट का बता दिया है। अब आप लोग का इंक्वायरी यहाँ पे बार बार आता है, सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के लिए परेशान मत होइए आप लोग, काउंसलिंग का जो प्रोसेस आप लोग का है जल्दी ही बीसीसी के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, वहां से आप लोग काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इन्फॉर्म आपके जो है टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, हर जगह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। काउंसलिंग आप सभी लोग कर लीजिएगा। एक और चीज़ है, काउंसलिंग फ्री रहती है, क्या रहती है काउंसलिंग, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग होती है, बिहार कंबाइंड कोई पैसा नहीं देता काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग सबको करना है। मैंने देखा था यूट्यूब पे काफी व्हाट्सएप पे कई लोग मैसेज करते थे सर हम काउंसलिंग एलिजिबल है कि नहीं है, मेरा रैंक हाई है तो हम काउंसलिंग करवाने के एलिजिबल है कि नहीं, भाई एलिजिबल सबको ही है, जिसका 2000 रैंक है वो बच्चा भी एलिजिबल है, जिसका 200 रैंक है वो भी एलिजिबल है, जिसका 2 रैंक है वो भी एलिजिबल है, तो काउंसलिंग हर कोई करा सकता है, तो आप सभी लोग काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, काउंसलिंग छोड़ना किसी को नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगता काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग आप लोग को करवाना है। ओके, अगला आप लोग का एक और डाउट रहा था यहाँ पे कि सर एडमिशन का फी कितना लगता है, आप लोग कह रहा था एडमिशन का जो है फी क्या रहता है, कितना पैसा हमें लगने वाला है, तो फी वगैरह बहुत ही नाम मत का लगता है, बहुत अधिक नहीं लगता है, आप अगर जनरल कैटेगरी से अगर हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 10,000 रुपये लगने वाला है एडमिशन फी में, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फी इंक्लूड रहता है, और अगर आप एससी एसटी वगैरह से हैं तो लगभग 8,000 के समथिंग, ठीक है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन 8,000 समथिंग पैसा लगने वाला है एडमिशन फी का, ये बात करते हैं। ओके, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, और बिहार कंबाइंड में अगर आप लोग का एडमिशन वगैरह होता है, एक और इंक्वायरी आप लोग का था कि सर सिर्फ सबोर वाले जो बच्चे हैं जिनको बीएससी कॉलेज मिलेगा, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज मिलेगा, केवल उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी कॉलेज बिहार कंबाइंड के अंदर आते हैं उन सभी में जो भी बच्चे का एडमिशन होगा उन सभी को स्कॉलरशिप मिलता है, आप लोगों को पता है 2,000 रुपये पर मंथ, और ये पैसा कब आता है, प्रत्येक 6 महीने पर आपका जो है सेमेस्टर एंड होने के बाद आपको मिल जाता है, यानी कि 6 महीने में आपको 12,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितना 6 × 2,000 हम लोग करेंगे यानी कि 12,000 रुपये आपको जो है मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो थोड़ा सा अपना मार्क्स वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बाकी समय के साथ आप लोग को आगे इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आप लोग को किसी भी कॉलेज में लेते हैं, किशनगंज में आपका हो रहा है, बक्सर में हो रहा है, पूर्णिया में हो रहा है, सहरसा में हो रहा है, कहीं भी अगर एडमिशन हो रहा है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ सबोर वाले बच्चों को नहीं सबको मिलता है, ये जो है कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप सबको मिलेगा। फी वगैरह भी आपका जो है एक सेमेस्टर का कितना है, अच्छा सेमेस्टर फी की बात की, ये तो फर्स्ट टाइम लगे 10,000 रुपये लगेगा, लेकिन सेमेस्टर फी की अगर हम लोग बात करते हैं, सेमेस्टर फी क्या होने वाला है वहाँ पे, जिसको ट्यूशन फी आप लोग भी कहते हो, तो वो जो फी आप लोग का होने वाला है
ट्यूशन फी की अगर हम लोग बात करते हैं वो काफ़ी कम है बिहार कंबाइंड का, लगभग 2,000 के आसपास है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत कम है। यानी कि मात्र 6 महीना पढ़िएगा आप लोग तो 2,000 रुपये पे करना है। कितना सस्ता आप लोग देख सकते हो। वहीं किसी प्राइवेट की अगर बात करते हैं कितना लगता है, 30,000, 25,000 ना, 40,000, इतना तक फी होता है 6 महीने का। और यहाँ मात्र 2,000 रुपये लगने वाला है 6 महीने में। 2,000-2,500 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी जहाँ भी आपका एडमिशन होता है एडमिशन लीजिए, और आगे की चीज़ें आप आगे का जर्नी जो आप लोग का है कॉलेज लाइफ वो आप लोग शुरू कर सकते हैं। बचे हुए समय का आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचे हुए समय का जो भी समय बचा हुआ है इसमें क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है उसको पढ़ना आप लोग चालू कर सकते हैं। सर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, इसके लिए हमारा एप्लीकेशन है, जिनके पास एप्लीकेशन अभी मौजूद है उनके ऐप में चेक कीजिएगा। फ्री स्टडी मटेरियल आपका होगा वहाँ पे, सेमेस्टर वाइज नोट्स अपलोड किया गया है, और वो सारे नोट्स आपके जो हैं बिहार के हैं, तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही सब चीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। अभी से पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा हर चीज़ आगे हैंडल करने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एडमिशन के लिए। बाकी कोई दिक्कत होती है कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी सारा इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे ईजिली हो पाए। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों।